नमस्कार किसान भाइयों, मैं बबलू और आप देख रहे हैं जाट भसन। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी लाइट नहीं रहने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो आपको हम दिखा देते हैं कि इस साइड में आप देख सकते हैं कि मोटर रखा हुआ है। मोटर रहने के बावजूद भी अभी हमें डीजल मशीन का उपयोग करना पड़ रहा है, जो देख सकते हैं साइड में यहाँ पर, जो अभी जस्ट यहाँ पर इसको हटा करके ये सीडी मशीन लगाए हैं, जो देख सकते हैं सीडी मशीन में अभी यहाँ पर जो कि बहुत ही पुराना है उसको यहाँ पे लाए हैं। और यह कंडीशन अच्छा है, इसका चलने लायक है, बहुत अच्छा तरह से अभी वर्क करते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। तो गाइज, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मोटर संबंधित यानी मशीन संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। देख सकते हैं गाइज कि ये सब कुछ अलग से इसमें लगाना पड़ रहा है, जो आपको हम दिखा देते हैं कि इसमें जो अभी पानी डाल रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा तरह से फिटिंग करेंगे, उसके बाद ही इसमें कोई वर्क कर पाएंगे। जो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि तेल भी डालने वाला जो यहाँ पे लगा हुआ है वो भी ऊपर से ही जुगाड़ करना पड़ता है, जिस वजह से देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे और अच्छा से ये वर्क करेंगे गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिटिंग हो चुका है और जस्ट इसको चालू करेंगे और आपको देखने को मिलेंगे कि ये भी मशीन उतना ही पानी देते हैं जितना कि हमारा मोटर। तो इसकी मशीन की बात करें गाइस, तो ये बिना पानी वाला मशीन है, यानी कि हवा पर चलने वाला ये सीडी मशीन है, इसमें पानी अलग से डालना नहीं पड़ता था, नहीं तो दूसरा एक मशीन है उसमें पानी डालना पड़ता है जो बहुत ही हीट होता है, लेकिन ये उतना हीट नहीं होता ये मशीन, लेकिन उतना सक्सेस ये मशीन नहीं है जितना वो पानी वाला सक्सेस है। फिर भी ये बहुत दिन से रखा हुआ था तो यहाँ पर लाए हैं, और देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे सेक्शन पाइप भी पूरी तरह से फिटिंग कर दिया, और सेक्शन पाइप वही है जो हम मोटर में लगाए थे, और सब कुछ वही सेम सेम है, सिर्फ यहाँ पे हम ये सीडी मशीन को यहाँ पे लाए हैं मोटर को हटा कर, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है गाइस कि हमारे क्षेत्र में लाइट का बहुत प्रॉब्लम रहता है, बिजली की समस्या ज़्यादा है, जिस वजह से हमें ये अभी खेत सिंचाई के लिए इसका सहयोग लेना पड़ रहा है गाइस, और ऊपर से इसमें सब कुछ तेल डालना पड़ रहा है कि इसमें टंकी नहीं है तेल डालने वाला, वो ख़राब हो चुका है देख सकते हैं, तो ऊपर से इसमें जुगाड़ लगाए हैं और इसमें स्टार्ट करके आपको हम दिखा देते हैं गाइस। तो देख सकते हैं गाइस कि एक बार में ही स्टार्ट हो गया, कंडीशन अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पानी थोड़ा अभी अच्छा से एक बार में नहीं पकड़ा, जिस वजह से देख सकते हैं कि इसको बंद करेंगे, और बंद करने के बाद थोड़ा सा इसमें होता है मोटर में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा एयर ले लेते हैं सेक्शन पाइप, जिस वजह से पानी अच्छा से फिट नहीं होता, जिस कारण से ऐसा प्रॉब्लम आते हैं। तो देख सकते हैं गाइस कि कितना अच्छा तरह से ये मशीन पानी पकड़ लिए हैं, और पानी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पानी भी उतना ही अच्छा दे रहे हैं जितना हमारा मोटर देते हैं, जो देख सकते हैं गाइस कि ये मशीन की बात करें तो मशीन बहुत ही अच्छा होते हैं। अगर आपके क्षेत्र में सप्लाई नहीं है और आप छोटे मोटे किसान हैं और खेती कर रहे हैं तो ये मशीन से भी आप अपना ये पटवन कर सकते हैं, लेकिन आपको यही यही होंगे कि इसमें तेल ज़्यादा खर्चा होता है। तो अगर आपके क्षेत्र में सप्लाई अच्छा रहता है तो आप मोटर ले सकते हैं, और अच्छा वो वोल्टेज भी रहना चाहिए, नहीं तो सिंगल फेज पर मोटर नहीं चलते हैं ज़्यादा देर तक, वो मोटर हीट होते हैं, जिस वजह से आप के क्षेत्र में तीनों से फेज सप्लाई होना चाहिए। अच्छा कंडीशन आप चेक कर लीजिएगा अपने प्लॉट पे जहाँ पे आपके यहाँ कनेक्शन आया हुआ है ये बिजली वाला। तो जो भी भाई इस मोटर को ख़रीदना चाहते हैं तो अपना सप्लाई एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि हमारे क्षेत्र में सप्लाई आता ही नहीं, और ये बहुत से फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि बिजली का कनेक्शन कैसे लें, तो आपको बता दें कि बिहार में बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सस्ता रेट में बिजली के कनेक्शन दिया जाता है खेत पटवन के लिए सिर्फ। अगर आप एक एग्रीकल्चर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम रेट पर आपको ये बिहार सरकार ये सब्सिडी देती है, जो कि 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से ये इसका रेट है गाइस मोटर का, अगर आप मोटर से सिंचाई करते हैं तो। और इस पर करते हैं तो देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा डीजल का ये दाम ज़्यादा है, 100 रुपये की लमसम में डीजल अभी चल रहा है, 97 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से। तो एक घंटा में गाइस ये उतना एक लीटर नहीं खाते हैं, यानी कि 250 से 500 ग्राम के बीच में ये मशीन डीजल खाते हैं, तो अपने हिसाब से आप मशीन को बाय कर सकते हैं जिस हिसाब से लगे। तो देख सकते हैं गाइस कि बहुत ही अच्छा तरह से फिटिंग हो चुका है और मोटर साइड में रखे हुए हैं,
तो जब हमारा सप्लाई आएंगे तो हम मोटर को भी लगाएंगे और इस मशीन को हटा देंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें तेल खाएंगे। और मोटर में वो बहुत ही सस्ता रेट पे, अभी जैसे कि हम दिन भर चलाएंगे तो 10 से 15 रुपया हमारा यूनिट आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो हमारे चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहने के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।